हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माँ बेटी पकवान। एक नई किरण नई मेन आज गुलाम मैं चाहिए दादा मैं एक बार फिर आपको माँ बेटी पकवान इस्तकबाल करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। रदा आप कैसी? और ये क्या हुआ हुआ है हमारे घर में? हमारे घर में माशाल्लाह एक बच्चा है और वो आजकल माशाल्लाह 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 शरारतें पकड़ रहा है। बमाश हुए हैं। और इसने ये मेरी गोद में लेटा हुआ है और इसने घुमा के चीजों को दाल वाली प्लेट में डाल दिया। जोर से फेंकी वो दाल में जाके गिर गई। और देख भी रहे साहब दादा अभी आराम से लेटे हुए। तो जी इसी ज्यादा आज की हमारी रूटीन शुरू होती है। हमने नाश्ता कर लिया था और मैं वीडियो बनाना भूल गई। बस कोई बात नहीं चूसी है आके रही वीडियो भी तो बनाओ। ये मेरा आखिरी वाला बच्चा है अभी भी मगर। हाँ। और मम्मा आज का कैसे दिन गुजर रहा है आपका? शुक्र अल्लाह का, पानी जाते 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 वापस आ गया। जाते जाते आ गया पलट। जुम्मा मुबारक। जुम्मा मुबारक आप सबको। जुम्मा मुबारक हम सब की तरफ से, आप सबको जुम्मा मुबारक। बिल्कुल। और आज जुम्मा है और आज क्या पकाने को समझ नहीं आ रहा माँ। कुछ समझ नहीं आ रहा है। चलो अदा पहले नमाज वगैरह की तैयारी करते हैं फिर उसके बाद सोचते हैं। सही है। अभी यहाँ पे पहले नाश्ते के बर्तन उठा लेते हैं। पहले आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आप भी नमाज पढ़ने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बिल्कुल। और सबसे पहले ठोके 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 नीचे जाएं, बेल आइकन को दबाएं और बिल्कुल कमेंट करें, शेयर करें, लाइक, बिल्कुल सब कुछ कर दीजिए जो जो आपको पता है कि होता है एक वीडियो में। लाइक करें यार, बिल्कुल फ्री है, कोई चीज भी नहीं लगती आप लोगों की लाइक करने, बस एक बटन दबाना होता है सब्सक्राइब करने में भी। कुछ भी नहीं जाएगा, सिर्फ बेल आइकॉन दबा देना, बस दबाना है आप लोगों ने जाके। तो ठीक है, अब आगे जो करते हैं आप लोगों के साथ शेयर करते हैं जी। जनाब इधर तो अभी मैं जो हूँ भिंडी, आज मैंने भिंडी कीमा बनाया था, उसे मैंने गर्म करने के लिए रखा हुआ है। गर्म करने के लिए रखा हुआ है, मैंने इसमें भिंडी को जो है पहले फ्राई तो कर लिया था बट मैंने अभी भिंडी को हल्का सा गलाने रखा है। इसकी मैं आपको एक झटपट सी रेसिपी बता देती हूँ। मैंने सबसे पहले ऑयल लिया, ऑयल में मैंने प्याज डाली, प्याज को मैंने फ्राई कर लिया। उसमें मैं आज डालना भूल गई, जो सच बात है वो मैं आज करी पत्ता कह रही हूँ, तेज़पत्ता और बड़ी इलायची मैं डालना भूल गई, बट आप लोग ज़रूर डालिएगा, काफ़ी अच्छी खुशबू आती है उससे। और फिर उसके बाद जो इसमें लहसुन का पेस्ट डाल दें, सौते कर लें और फिर इसमें आप टमाटर डाल दें। टमाटर डाल के जो टमाटरों को अच्छी तरीके से गला लें और मैश वैश कर लें। जब टमाटर अच्छी तरीके से मैश हो जाए तो आप लोगों ने इसमें कीमा डाल देना है। कीमा डालने के बाद कीमे की भुनाई करें, थोड़ा सा पानी डाल के रख दें और कीमे को गलने के लिए रख दें जी। जब कीमा गल जाए अच्छे तरीके से तो फिर आपने क्या करना है, आपने जो है ये एक प्याज लेनी है दरमियाने साइज़ की और उसको स्लाइस कट कर लेना है, बीच से कट लगा के फिर स्लाइस कट करना है। जैसे हम फ्राई करने के लिए काटते हैं ना प्याज, सेम वैसे ही हमने प्याज को काट लेना है और कीमे में डाल देनी है प्याज। उसका काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है, आप लोग देख रहे हैं अगर तो यहाँ पर आपको कहीं कहीं मेरी प्याज, मैंने जो प्याज करी हुई ऐसी दिख रही होगी, इसका काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। तो आप लोग भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे कहने पे, फिर आप लोग बताइएगा मुझे कमेंट में कि काफ़ी अच्छा फ्लेवर आ रहा है इसमें। उसके बाद जो है इसे इसी तरीके से भुनाई कर लें और फिर इसको जो है बाद में भिंडी डाल दें और भिंडी डाल के गला लें। और पीछे गाने चल रहे हैं उसकी आवाज़ आप अवॉइड कीजिएगा ठीक है, वरना कॉपीराइट आ जाएगा हमारे वीडियो में। ऑलरेडी काफ़ी बार आ गया क्योंकि मैच की वीडियो हमें डाली थी ना जब, तो हमारी वीडियो में कॉपीराइट आ गया था। मैंने टीवी से डाली थी तब भी कोई गाने तो थे नहीं। और अभी मैं इधर जो है रोटी बना रही हूँ, ये देखो इसकी ये रहा आटा, तभी मैं जल्दी जल्दी से रोटी बना लेती हूँ। तभी को ऑलरेडी गर्म करने के लिए रख दिया और हॉट पॉट भी रेडी कर लिया है। अब बस जल्दी से जो है मैं झटपट से वो बना लेती हूँ। और ये देखो मैंने ये टूट गया, चलिए जी ठीक है। अभी मैं जल्दी से जो है ये रोटियाँ बना लेती हूँ और फिर उसके बाद आगे जो करते हैं आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो जी जनाब इधर जो है बिट्टू तैयार हो गए हैं। बिट्टू तो माशाल्लाह खुश हो रहे हैं हवा देख देख के। बिट्टू मिकाइल जुम्मा मुबारक। बिट्टू बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये रहे जी बिट्टू रेडी हुए हैं और बाबा का इंतज़ार कर रहे हैं। ये बाबा का इंतज़ार हो रहा है, बाबा का इंतज़ार हो रहा है जी बस। और बाहर का मंजर, बाहर का व्यू कुछ इस तरह का है, उधर जा रहा है, जाता जा रहा है। आज जुम्मा, आज जुम्मा बाजार लगा हुआ है। हाँ तो एक तो सारा जुम्मा बाजार खराब हो गया। हाँ मगर कितना बुरा बाजार लगा हुआ है ये तो देखें आप। हमें बहुत शौक है इस बाजार में जाकर ना छांटी करके चीज़ें लेने का। हाँ क्या कह रही हूँ, मगर अम्मा जाती नहीं है कभी। नीचे वाले मार्केट में घर के नीचे जो मार्केट है उधर ही चले जाते हैं। तो ये रहा हमारा बाजार, जुम्मा बाजार। और
हमारे इधर जो है ना समोसे बनते हैं इधर इधर। भाई चोर भी आ गई, भागो चील आ गई, डर लग रहा है। उधर काफी सारी हैं क्योंकि चील आ गई। ये देखिए अम्मा काफी सारी है उधर। ओहो बेटू का हाइंडू आ रहा है, बेटू का बेटू का। तो जी अभी यहाँ पर यही हो रहा है और रोटियाँ वगैरह मैंने बना ली हैं, बाबा के आने का इंतज़ार हो रहा है, सैलेड रायता भी तैयार करना है और बस अभी चलते हैं वो भी कर लेते हैं जल्दी से, बेटू को भी तैयार कर दिया है, हम काम कर लेते हैं निपटा लेते हैं और बाद में हम लोगों से मिलते हैं। तो जी जनाब यहाँ पर जो है ये बाबा इस वाले बाबा यहाँ पर ऑफिस से घर आ गए, बाबा काफ़ी सारी सब्ज़ी लेकर आए हैं, बबला है प्याज, चूँकि आज फ्राइडे था तो बाबा जुम्मे की नमाज़ से जब बाहर ना रहे होते हैं तो बाज़ार लगा हुआ होता है और वहाँ से बाबा जो है सब्ज़ी लेते हैं, जुम्मे के जुम्मे ही लगता है बस ये सब्ज़ियों वाला बाज़ार, तो बाबा वहाँ से सब्ज़ी लेते हुए आते हैं। और यहाँ पर ये रहे बाबा आलू लाए हैं, आलू मम्मा पता नहीं कितने बता रही थी 170 रुपये या पता नहीं कितने किलो हुए हुए आलू, इतने महंगे हुए हैं आलू, आलू टमाटर हरी मिर्ची तुरई टिंडे पुदीना और धनिया, और ये रही गोभी भिंडी, भिंडी आज फिर आ गई। और ये रहा सौदा सोल्फ, अभी बाबा जो लाए हैं और रोटी भी बन गई थी पहले से बना ली थी और जो है रायता भी बना लिया था मैंने, सलाद भी बना ली थी और सब कुछ रेडी हो गया है और अब बस जल्द से खाना लगाते हैं जल्दी से और हम खाना खाते हैं और फिर खाने के बाद आपसे मिलते हैं ठीक है। तो जी जनाब अभी जो है रात के टाइम हो गया है और रात को सो गए थे सारे, सोने वाला टाइम हुआ मतलब मिकाइल को भी सुला दिया, मामा बाबा भी सो गए हैं, बस मैं और भैया उठे हैं, हम थोड़ा सा फ़ोन यूज़ करते हैं और फिर थोड़ी देर बाद हम लोग सो जाते हैं। 12 बजे मेरा एंड टाइम होता है जागने वाला कि मेरी बस हो जाती है 12 बजे के टाइम तो, और फिर मैं सोती हूँ। और अभी अभी हुए हैं 11:24, तो अभी मैं जागी हुई हूँ, अभी थोड़ा टाइम है मेरे सोने में। तो यहाँ पर मैंने भैया से बिस्किट मंगाया था, कुछ दिल कर रहा था खाने पीने का, तो ये बिस्किट मैंने बहुत पहले खाया था, उसके बाद से मैं इसका टेस्ट थोड़ा मतलब भूल गई थी, मगर मम्मा ने परसों तरसों ये लेकर आई थी मम्मी वाला बिस्किट, तो मैंने खाया तो मुझे एकदम से बहुत अच्छा बिस्किट लगा और इसकी क्वांटिटी भी अच्छी खासी होती है, ये 30 रुपए का बिस्किट है और इसके एक रॉ में 5 बिस्किट होते हैं, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और ये मेरा अगले दिन के शाम या दोपहर तक चल जाता है, इसलिए मुझे बिस्किट बहुत अच्छा लगता है। तो जी मैं तो अभी यहाँ पर अपना बिस्किट इन्जॉय कर रही हूँ और साथ ही साथ मैं वीडियो का एंड करने भी आई हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और थैंक यू सो मच कि आप लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, आज हमारे 2 सब्सक्राइबर बढ़े हैं और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे जो है आज 2 सब्सक्राइबर बढ़े। और ये देखिए मैं आज नया नेल पेंट लगाया अपने हाथ पे, ऐसे ही दिल के आ रहा था मेरे वाले नेल पेंट, मैं कल साफ कर लूँगी, बट डोंट वरी मैंने जुम्मे की नमाज़ पहले पढ़ी थी और उसके बाद लगाया क्योंकि मुझे पता है नेल पेंट में नमाज़ नहीं होती है। तो ठीक है जी यहाँ पर मैं एंड करने आई थी वीडियो को और मैंने आपको थैंक यू भी कर दिया कि आप लोग हमारे सब्सक्राइबर बढ़ा रहे हैं, तो उसी के साथ आज की वीडियो को एंड करते हैं, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे साथ बन रही है ऐसे मज़ेदार वीडियोज़ देखने के लिए। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।